नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली जॉब 24/7 पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि NTPC रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए आज लगभग 1.5 या 2 साल हो गई हैं, लेकिन इन सालों नेता लोगों भारत सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह गई। छात्रों का दुख चरम पर है और कोरोना ने उनकी कमर तोड़ रखी है। दिन प्रतिदिन ट्विटर हैंडल पर तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर बेरोजगार हुआ कहाँ जाए। लगभग अरबों खरबों रुपए हजम कर डकारवियां लेने वाली ये रेलवे सरकार छात्रों की पीड़ा को कब समझेगी। दोस्तों इसी के चलते NDTV संवाददाता रमेश कुमार ने छात्रों की शिकायतों को उजागर किया है और एक रिपोर्ट तैयार की है। चलो सबसे पहले जाके उस रिपोर्ट को देख लेंगे, फिर हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। नौकरियां नहीं, ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं। लाखों की फीस देकर जो नई पीढ़ी अलग अलग प्रोफेशनल संस्थानों से निकल रही है, वो कहावानों की संख्या भले करोड़ों में हो, मगर ये संख्या अब किसी काम की नहीं है। नौजवानों को यह बात समझ में आ रही है कि लाखों की संख्या में ट्रेंड कराने और अनगिनत मैसेज भेजने के बाद भी कुछ नहीं होता है। दरअसल भारत की राजनीति में युवाओं का हर प्रकार का रोल समाप्त हो गया है, सिर्फ वायरल और फॉरवर्ड करने को छोड़कर। देश का नौजवान रोजगार के मुद्दे को लेकर रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर रोज संघर्ष कर रहा है। 3 जुलाई को जब पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि कोरोना आपदा के बाद देश में स्थिति सामान्य होने लगी है, औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों का लौटना शुरू हो गया है, साथ ही चलने वाली ट्रेनों में बुकिंग 100% से भी अधिक है, तो आप उस ट्वीट के नीचे आए कमेंट को देख सकते हैं। नौजवानों के ऐसे कमेंट का शायद ही मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मार्च 2019 में रेलवे ने NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी के फॉर्म भरे गए थे जो फरवरी में निकले थे। उसके बाद से ये नौजवान रोज पूछते हैं कि पैसे देकर फॉर्म भरा है, परीक्षा कब होगी ये तो बता दीजिए। फॉर्म भरने वालों के पास एक ही काम है, सुबह उठकर मंत्री और पत्रकारों को ट्वीट करना कि इनकी आवाज उठा दें, बता दें परीक्षा कब होगी। NTPC के पहले चरण की परीक्षा एक कंप्यूटर एग्जाम है जिसका नाम है CBT 1। फरवरी 2019 के जिस रिलीज पर छात्रों ने मार्च में फॉर्म भरे, उसमें लिखा था कि CBT 1 की परीक्षा जून सितंबर 2019 के बीच होने की संभावना है। 18 जून 2020 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रेलवे का बयान छपता है कि NTPC की जिन 35,000 पोस्ट पर 1.25 करोड़ एप्लीकेशन आए हैं, उनके इम्तिहान की काफी तैयारी कोरोना महामारी के फैलने से पहले हो चुकी थी, मगर कोविड के कारण तैयारी रोकनी पड़ी। तो क्या जिस इम्तिहान के लिए सितंबर 2019 को अपर लिमिट बताया गया था, उसके गुजर जाने के 6 महीने बाद भी इम्तिहान होना तो दूर, उसकी तैयारी भी पूरी नहीं की जा सकी। जबकि इन्हें पता है कि लोको पायलट की परीक्षा तो हो ही गई थी, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन एक साल से करीब दिसंबर 2019 से ही बहुत सारे नौजवानों को नियुक्ति का इंतजार करना पड़ रहा है, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मंत्री जी की टाइमलाइन से पता चलता है कि ये नौजवान रेलवे के निजीकरण के खिलाफ भी लिख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि इसका मतलब है नौकरियों का कम होना, और अब तो रेलवे ने ऐलान ही कर दिया है कि सेफ्टी को छोड़कर नई भर्तियां नहीं होंगी। हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकियन का निवासी हूँ, और हम लोग विगत 2014 से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस समय 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 3 से 4 हजार पोस्टों की कमी कर दी गई थी। इस वजह से हम लोग का जो तीनों आदमी का या और भी साथी का मेरिट में थे वो बाहर हो गए। तो अभी नया वैकेंसी जो आया, एक साल पहले जो आया है, लोकसभा चुनाव से पहले आया है, तो उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्ट को फ्रीज करने किया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है रेलवे को। कैसे से तो एग्जाम होना चाहिए, एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का लुभावना ऑफर था, युवाओं को अपने तरफ आकर्षित किए, उसके बाद अब एग्जाम होना चाहिए कायदे से, लेकिन
फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग क्या होता है हम लोग समझ में नहीं करते हैं। हम लोग कह रहे हैं फ्रीज हो रहा है और ये लोग फ्रीज कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि वहाँ क्या दशा है। पिछले कई सालों से मैं रेलवे का विद्यार्थी रह चुका हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पटना रेलवे की तैयारी कर रहा था, पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन हुआ तो मैं यहाँ घर पे चला आया। पर यहीं मंदिर, मेरे पीछे मंदिर है, चीनी मिल है जो कि चालू नहीं है, पीछे मंदिर है वहीं पर मैं ग्रुप करता हूँ। और पिछले कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया कि 150 से ज़्यादा ट्रेन चलेंगी और उसमें कोई वैकेंसीज की पोस्ट नहीं आएंगी। प्राइवेट ट्रेन चलेगी और उसकी कोई वैकेंसीज की पोस्ट नहीं आएगी। अतः सरकार से निवेदन है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए और इसका एक्सपेक्टेड डेट था सितंबर अक्टूबर 2019 और आज 6 जुलाई 2020 आ चुकी है, अभी तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि रेलवे बोर्ड कैसे कैसे खेल खेल रहा है। 1.5 साल हो गया है और हमसे रुपये हड़पने के बाद ये रेलवे खुद का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। इसलिए दोस्तों हम चुप नहीं बैठेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये हरामी प्रशासन तब तक नहीं सुनेगा तब तक इनकी कुर्सी में सुई नहीं चुभेगी। तो दोस्तों ट्विटर हैंडल पर अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए और इनको डेली ट्वीट कीजिए और ट्रेंडिंग बना दीजिए एक रेलवे चौक को। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आप लोगों के सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।